दोस्तों नमस्कार, मैं चिराग सचदेवा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल में जिसका नाम है गुफ्तगू। आज का दिन बहुत अहम था हांसी वालों के लिए, खासतौर पर क्योंकि आज हांसी के विधायक विनोद भ्याना की एक तरीके से अग्नि परीक्षा बताई जा रही थी। और ये परीक्षा ये बताई जा रही थी कि पिछले 2.5 साल और पिछले 5 साल का कार्यकाल में उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो भगवद गीता पर हाथ रख करके कसम खाएं। हालांकि ये मुझे लगता है कि भगवद गीता हमारे लिए, हिंदुओं के लिए, बहुत बड़ा इतना पवित्र ग्रंथ है, अगर उसको छुआ भी जाए तो उसको छूना चाहिए जो पवित्र हो। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो गलत है, लेकिन फिर भी हांसी के विधायक विनोद भ्याना ने ये कहा कि मैं 11 बजे आपको मिलूंगा और तैयार हूँ इस काम के लिए। इस वक्त मेरे साथ हांसी के विधायक है विनोद भ्याना, बीजेपी से। सर नमस्कार। कैसे? नमस्कार सर। मनोज राठी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं अपने आप को, वो कहते हैं विनोद भ्याना करप्ट है, वो भ्रष्टाचार फैलाते हैं और उसके जो पुत्र हैं वो भी ऐसा करते हैं। और वो कहते हैं कि पिछले 2.5 साल और पिछले CPS के 5 साल आपने करप्शन फैलाई है, तो भगवद गीता पर हाथ रखो कि आपने नहीं फैलाई। हमारी एक वीडियो थी सर, SD गर्ल्स कॉलेज वालों ने आपको सम्मानित किया था, उसमें आपने एक बात कही थी कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो मेरा सत्यानाश हो जाए, आपने बात कही थी। उस वीडियो को उन्होंने एक बवाल मचाया कुछ लोगों के साथ मिल करके और ये बात कही कि आप गलत हो, क्या कहना चाहेंगे? देखिए चिराग जी, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो कुछ कहना था जनता के बीच में कहा, और जनता एक किस्म का भगवान का दरबार हुआ करती है। मैंने जब जनता के बीच में कह दिया, उसके बाद कोई भागवत गीता या और कोई बात कहे, और वो कम से कम वो बात कहे जो बंदा खुद साफ सुथरा सच्चा सुच्चा आदमी हो। जब से ये मनोज राठी राजनीति में आया है, करीब 2.5 साल पहले जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो ये चुनाव लड़ा था और मेरे मुकाबले ही चुनाव लड़ा था। मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि मेरे को हांसी की जनता ने 53,000 वोट दे करके अपना आशीर्वाद दिया जी। और मेरे मुकाबले में मनोज राठी शायद 1300 वोट भी नहीं ले पाए थे। चलो कोई बात नहीं, वो जनता की फैसला है, वो उसने भी स्वीकार किया और हमने भी स्वीकार किया। मगर उस दिन से 2.5 साल हो गए, इसने अनर्गल आरोप मेरे ऊपर लगाए, चाहे वो चैनल के माध्यम से लगाए, सोशल मीडिया पे लगाए, प्रिंट मीडिया पे लगाए, अनर्गल आरोप। उसमें हमारा चैनल भी होता था सर, वो आपका चैनल भी होता था, सबके चैनल में उसने अलग अलग आरोप लगाए। कभी तो उसने ये कहा, जब हमने इस शहर को सुधारने का काम किया, शहर में पॉलीथिन बंद करवाने का काम किया, शहर साफ सुथरा रहे, इस ओर हमने एक कदम बढ़ाया, तो इसका बंदे का बयान आया कि पॉलीथीन बंद करने के बाद जो कपड़े की थैलियां बनेगी उसकी विनोद भ्याना ने फैक्ट्री लगा रखी लगाई है, वो उन्होंने ये कहा था। वो उन्होंने कहा था, वो उसने साथ ये भी कहा था कि मेरे पास सबूत हैं, मैं बिना सबूत के मनोज राठी कोई बात नहीं करता, मैं पहुंच गया हूं, देख आया हूं, आप खुद इस बात के गवाह। मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि हमारा काम था इस शहर को साफ सुथरा करना, शहर की प्रगति में आगे बढ़ना। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि विनोद भ्याना के पास मनाली में एक होटल है। मैं विद प्रूफ कहता हूँ, मनोज राठी कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने वो भी सुन लिया, मैंने कहा क्या जवाब दें इस बंदे की बात का, कोई बात नहीं। एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कोठियाँ बनी थी तहसीलदार नायब तहसीलदार की नारनौंद में जी, किस ठेकेदार ने बनाई, कौन बनाया, कब बनी, मुझे ये भी नहीं पता। इसने वहाँ भी कह दिया कि इसमें भी विनोद भ्याना की हिस्सेदारी है। B&R के 100 करोड़ के काम है, कहते 50 करोड़ आपने। हाँ, वो मैं सारी बात पे आऊँगा। उसके बाद हमने बेसहारा पशुओं के लिए एक मार्केट कमेटी में गौशाला बनाई, जिससे हम ये चाहते थे कि शहर बेसहारा पशुओं से मुक्त हो जाए और गौ माता को एक आश्रय मिले, ये हमारी मंशा थी। और हमने वहाँ जब ये काम किया तो इसने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि विधायक मार्केट कमेटी की जमीन पे कब्जा करना चाहता है, प्लॉट काटना चाहता है, प्लॉट काटना, कब्जा करना चाहता है। कभी ये कहता है लाल किले पे कब्जा, हांसी के किले पे कब्जा करना चाहता है। इसने हर बार अनर्गल आरोप लगाए। जब ये बरसी गेट से लेके अम्बेडकर चौक और जीन चौक से लेके जीन चुंगी तक, चार कुतुब गेट से लेके सिसाई पुल तक, ये सड़कें BNR की सड़कें हैं और ये सड़कें हमने बड़ी मुश्किल से भाग दौड़ करके माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के अप्रूव करवाई, और करोड़ों करोड़ों रुपये का बजट है। 4 लेनिंग करवाई, एक वो भी मंजूर करवाया हमने, बाहर जो अंदर का हमारा रोड है इसको 4 लेनिंग के, लगभग 100 करोड़ रुपये के काम, एक रिकॉर्ड की बात है, 100 करोड़ रुपये के काम मंजूर करवाना। उस पर इसने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि इस पर तो 50 पैसे कमीशन है, इसकी ठेकेदार से लेते हैं 50 पैसे। ये भी सुन लिया मैंने। एक दिन जैसे आप बता रहे थे, इस दिन यहाँ मेरा सम्मान कर रहे थे, तो मेरे मुंह से वो बात निकल गई, क्योंकि जब ये कहता है तो 2-4 लोग भी इसके साथ दे देते हैं, वो भी मान कर कह देते हैं जी हाँ जी MLA खा गया। मैंने वहाँ ये कहा कि एक स्वयंभू नेता
टाइम टाइम पे मेरे खिलाफ बोलता है, मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मगर जनता तो कम से कम समझे ना कि मैं गलत, मैं जनता को उसका सहयोग नहीं देना चाहिए। मैं जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं परमपिता परमात्मा को मानने वाला बंदा हूँ, भगवान को साक्षी मान के कहता हूँ कि 100 करोड़ रुपये में से कमीशन के तौर पर, हिस्सेदारी के तौर पर, अगर एक पैसा भी मुझे मिलता हो तो या तो मेरा सत्यानाश हो जाए या कहने वाला का सत्यानाश हो जाए। यही बात थी सर। ये कहने के बाद, क्योंकि वो तो झूठ बोल रहे थे, लेकिन कुछ लोग ना उसको गलत ले गए, वो कहते हैं जनता का भी सत्यानाश हो जाए। मनोज राठी, नहीं नहीं, जनता का कभी सत्यानाश नहीं कहा मैंने। मैंने कहा जो कहता है उसका सत्यानाश हो जाए, वो कहा मनोज राठी ने था। तो उसके बाद जब उसको ये पता लगा कि भ्याना ये कह गया, तो उसने दिमाग में खलबली हो गई कि तूने तो सारे ही झूठ बोले। पक्का मनोज राठी के दिमाग में हुई? हाँ, पक्की खलबली हुई जब उसने मेरे को फोन किया। उसने, इसमें कोई गैंग है सर, नेक्सस था जिन, मे बी गैंग है, उसका भी गैंग का पर्दाफाश होएगा, आहिस्ता आहिस्ता सब 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 कुछ सामने आएगा, क्योंकि हम सच्चे और सुच्चे इंसान हैं। और मैं मान परमात्मा का कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ कि भगवान भी सच्चे और सुच्चे आदमी का साथ देता है। इन्होंने मुझे नहीं बताया, 11 बजे मेरे पास फोन आता है, करीब करीब 11 बजे, मुझे नहीं पता ये ऑनलाइन चल रहा है, सोशल मीडिया पे है, मेरे पास फ़ोन आता है। हालांकि ईमानदारी से कहता हूँ, मैं ट्रू कॉलर पे लिखा हुआ आ गया मनोज राठी। मैं चाहता तो फोन ना भी उठाता, मगर मेरे मन में ना कोई चोर ना मेरे मन में कोई भय। उन्होंने ये बात कही, कहते हैं मेरा फोन नहीं उठाएंगे, लेकिन बाय चांस आपने फोन उठाया? नहीं, उस पे मनोज राठी लिखा हुआ आया और मैंने फोन उठाया। फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, जी मनोज राठी बोल रहा हूँ। मैंने कहा बोलो राठी साहब। कहते जी मिलना है मंगलवार को। मैंने कहा मैं तो मंगलवार होता नहीं, मेरी मीटिंग है मंगलवार। वो कहते जी बुधवार। मैंने कहा बुधवार भी मैं लेट आऊँगा, मैं कहा वीरवार आ जाओ। मैंने उनसे ये भी पूछा क्या काम है, बोले वैसे ही मिलना है जी। उनको उन्होंने क्लियर नहीं किया, ना तो सोशल मीडिया वाले ने क्लियर किया, ना उसने क्लियर किया, नहीं तो क्लियर तो करना चाहिए था। तो खैर एनी हाउ, तो उसने कहा जी मैं 11 बजे वीरवार आऊँगा। मैंने कहा उसके बाद मुझे बाद दोपहर पता चला कि वो तो लाइव था और वो इस तरह बात करना अच्छा चाहता तब है। तक आपको नहीं पता था? नहीं पता था, ईमानदारी से बिल्कुल नहीं पता था मेरे को। तो बाद दोपहर पता चला जब चैनल वालों का भी कोई फोन नहीं, कोई फोन नहीं आया मेरे पास, किसी किस्म का कोई फोन नहीं आया। दोपहर बाद जब मैंने देखा तो मैंने कहा यार ये तो कमाल ही कर गया बंदा। चलो खैर एनी हाउ, मैंने जाना था, मैं चला गया। हालांकि बुधवार को, मंगलवार को सीएम साहब से मिलना था, बुधवार को मेरी मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि सीएम साहब आ गए सिरसा सर, और नहीं मिल पाया। मैंने सोचा शायद आज मिल लूँगा, मगर क्योंकि जनता के बीच में लाइव चैनल था तो जनता देख रही थी ना, मैंने जनता के बीच में मनोज राठी को टाइम दे दिया, अगर मैं नहीं पहुंचूं तो वो एक बात कह देगा तो देखो जी मैं तो आया हूं और विधायक पाया नहीं, विधायक भाग गया। मैं सारे काम छोड़ के 10:30 बजे कुर्सी पे बैठ गया। मैं आओ जी वेलकम राठी साहब। देखिए राठी साहब, मैं अगर सच्चाई होती, ईमानदारी होती, आ सकते थे, बेझिझक आ सकते थे। आपकी सर घर के अभी कुछ घर के बाहर ही कुछ लोग कह रहे थे सर वो भागवत गीता भी नहीं थी, एक डायरी के ऊपर लाल कपड़ा लपेटा हुआ था। चलो एनी हाउ, मैंने तो नहीं सर, आपके घर के बाहर ही ऐसा, मैंने देखी, मैंने नहीं देखा उसको क्या ले रहा था, कि मेरे पास तो आया ही नहीं ना। वो आया है, वो आके बाहर से खड़ा हो गया कि विधायक बाहर आए। विधायक क्यों बाहर आए? आपने विधायक को ये कहा था कि आपको बाहर आना पड़ेगा? आपने ये कहा था कि मेरे को टाइम चाहिए, मैं मिलने आऊँगा, आप आओ मेरे दफ्तर में आओ। फिर आप कहते जी बड़े बड़े आदमी बैठा खड़े कर रखे हैं, मैंने पीट देंगे। लाइव कैमरे चल रहे हैं, 10 कैमरे लाइव चल रहे हैं, आप उसके कैमरे में कोई किसी को हाथ लगा सकता है? इसका मतलब आपके मन में चोर था, आपके मन में पाप था, आप झूठ बोल रहे थे, इसलिए आपके अंदर आने की हिम्मत नहीं पड़ी। मैं फिर एक बार चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से। उसने मेरे ऊपर अनर्गल आरोप लगाए हैं, मैं कहता हूँ अनर्गल हैं, झूठे आरोप हैं। उसने कहा मनाली में मेरी कोठी है, मेरा होटल है, मेरे पास सबूत हैं। उसने कहा फैक्ट्री है, मेरे पास सबूत हैं। उसने कहा 50 करोड़ BNR से कमाया, 50 करोड़ BN मेरे पास सबूत। हर जगह उसने जितने इल्जाम उसने लगाए हैं, उसने कहा गौशाला पे कब्जा करेगा, उसने कहा वो प्लाट काटेगा, पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए हैं। कोई भी आरोप, वो उसने बार बार ये कहा कि मेरे पास सबूत है। मनोज राठी बिना सबूत बात नहीं करता। जो भीड़ थी वो जानबूझकर बुलाई गई थी सर, ईमानदारी से बताना। नहीं, मैंने तो बुलाई गई है मारने के लिए। बिल्कुल नहीं, ये लोग हमेशा, आप कभी भी आइए मेरे पास, जिस दिन मैं 3 दिन बाद चंडीगढ़ से आता हूँ, इतनी भीड़, इससे भी ज्यादा भीड़ होती है कई बार तो। नहीं, अब सुनो, मैंने तो बल्कि 25-30 कुर्सियां टेंट हाउस से इसलिए मंगवाई थी कि मनोज राठी के साथ 20-30 आदमी आएंगे तो
उनको बैठाने का प्रबंध हमारे पास होना चाहिए, उनके चाय पानी का प्रबंध होना। ये भी मैंने 20-30 कुर्सियाँ भी मंगवाई हैं टेंट हाउस से, जो कि मेरे पास 50-60 कुर्सियाँ हैं। उसके अलावा मैं 20-30 ये 50-60 लोग तो 70 लोग तो हमेशा मेरे को मिलने खड़े रहते हैं, मगर मैंने 20-30 कुर्सियाँ भी इसलिए मंगवाई कि वो आएगा तो 10-20 आदमी उसके साथ आएंगे, कम से कम उनके लिए बैठने का प्रबंध भी किया जाए। मैंने पानी का प्रबंध भी किया, चाय का प्रबंध भी किया। मैं आएंगे तो चाय पानी भी पिलाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उन्हें चाय पानी पिलवाएंगे, कोई बात नहीं। देखो हमारे ग्रंथों में लिखा है कि अतिथि देवो भव, कोई घर पे आया है तो उसका आप सम्मान करो, ये हमारे ग्रंथों में लिखा। और हम भगवान को मानने वाले बंदे हैं, परमात्मा के सिस्टम के अनुसार चलने वाले बंदे हैं। रियली मैंने तो 20-30 कुर्सी भी मंगवाई, उसके लिए चाय पानी का प्रबंध भी किया, पहले चाय पिलाता फिर उससे बात पूछता, और अगर वो मेरे से कहता तो फिर उसका बारी बारी जवाब भी देता। मगर क्योंकि झूठा आदमी कभी टिक नहीं सकता, उन्होंने झूठ का सहारा लिया और उनको वापस जाना पड़ा। क्या आपकी तरफ से कोई सवाल थे सर उनके सामने से, क्योंकि वो कहते हैं कि पहले लोग कहते हैं पहले मनोज राठी कसम उठाए और जो लोग साथ में आए। नहीं नहीं ऐसा है, वो कसम उठाए। ये लोगों की अपनी बातें हैं, लोगों लोग उसके बारे में जानते हैं कहाँ कहाँ उसने घपले कर रखे हैं, और उसके सबूत हैं लोगों के पास, उसके गवाह हैं लोगों के पास, वो लोग ये पास हैं। नहीं नहीं मैं डिटेल में नहीं गया कहाँ है कहाँ नहीं। अब लोग जब ये बात खुली, उसके गांव का ये एक सरपंच है, वो बोल रहा था बोला जी ये ऐसे ऐसे ढाई ढाई सवा दो लाख रुपए लेता था, जिसकी लिस्ट आ जाती थी पहले ये फिजिकल टेस्ट की फौज में, उनकी लिस्ट ले लेता था फिर उनके घर चला जाता था, तुम्हारी वो करवा दूंगा सिलेक्शन करवा दूंगा, किसी सवा दो लाख किसी मनोज राठी करता था, मनोज राठी ये काम करता था। नंबर एक, नंबर दो, ये कोई सोने की ईंट का भी जिक्र कर रहे थे। खैर मैंने इन बातों में नहीं जाना, इसका पिछली लाइफ क्या रही क्या, मैंने मेरे को इस बात से ताल्लुक ही नहीं, और ना मैं अनर्गल आरोप, जब तक मेरे पास कोई सबूत ना हो मैं किसी के ऊपर अनर्गल आरोप लगाता ही नहीं। रही बात मेरे में अगर कोई कमी थी, मेरे से उसने कुछ कहना था तो मेरे पास अंदर आता, मैं उससे सीधे सीधे पांच सवाल जरूर पूछता कि आप मेरे से तो कसम उठाने आ गए, आपने इतने अनर्गल आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं, क्या आपके पास वो सबूत है, वो सबूत तो पेश कर दो, उसके बाद मैं तो जो कहोगे वो कर दूंगा। बिल्कुल, और मैं तो जनता के बीच में आज भी कहने को तैयार हूं कि मैं अपनी बात पर आज भी कायम हूं, जो मैंने कहा उस बात पर मैं आज भी खड़ा हूं। मैं मनोज राठी की जवाबदेही नहीं मनोज राठी का, मैं जनता के प्रति मेरी जवाबदेही है, और जनता के बीच में मैं हर समय जवाबदेही अपनी करूंगा पूरी। कभी भी जनता को मैं नकार नहीं सकता, जनता ने मेरा मान सम्मान किया है, जनता के प्रति मेरी पूरी जवाबदेही है, मनोज राठी के प्रति मेरी जवाबदेही नहीं है। एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये मेरी शराफत है कि वो यहां तक आ गया, शरीफ एमएलए है। अब कोई कहे कि तू अपने आप को शरीफ कह रहा है, शरीफ हाथ कंगन को आरसी क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं हुआ करती। कोई व्यक्ति गीता उठा करके और हनुमान जी की मूर्ति उठा करके मेरे घर तक का आ जाए और ये कहे कर कसम ले, इससे बड़ा शरीफ आदमी कोई और मिल सकता है? किसी की हिम्मत है कोई किसी घर चला? अगला सवाल यही है सर, आप भी हिंदू समुदाय से हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं, हम भी करते हैं, भगवत गीता हमारे लिए बहुत पवित्र। हाँ हाँ बिल्कुल, क्या हम ऐसे उठा करके किसी की? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये तो शरीफ विधायक था और किसी घर जा सकता है क्या कोई? और जो आदमी, वो आदमी जो खुद आरोपों से घिरा हुआ हो, वो आदमी किसी घर में जो रोजाना झूठ बोलता हो सवेरे से लेकर शाम तक, जिसकी कहानी ही झूठ की हो, और वो आदमी श्रीमद् भागवत गीता को उठा के ले आए और वो हनुमान जी की मूर्ति को उठा करके ले आए, मैं कहता हूँ ये तो मेरी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। मनोज राठी जी, मेरी शराफत को मेरी कमज़ोरी मत समझो, जनता सब जानती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ आरोप हमारे ऊपर भी लगते दिखाई दिए, उन्होंने कहा कि चैनल से पेज से वीडियो डिलीट हो गई। सर मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा फेसबुक पेज हैक हो गया, ये वीडियो भी यूट्यूब पर चल रही है। हांसी की जनता से, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जवाबदेही मेरी हांसी की जनता को है, हांसी की जनता से मैं सवाल करना चाहूँगा, आज का एपिसोड जो कोई भी हुआ इसमें आप किसकी जीत समझते हैं, हांसी के विधायक विनोद भ्याना की या मनोज राठी? क्योंकि बाहर जो लोग बैठे हैं, चाहे वो इनके हैं चाहे वो किसी के भी हैं, वो कहते हैं कि मनोज राठी सिर्फ झूठी पब्लिसिटी बटोरने यहाँ पर पहुँचा था, वो सिर्फ ये दिखाने आया था मैं तो आया और भारी बार चला गया। अगर समय उन्होंने लिया था तो उनको अंदर आना भी बेहद ज़रूरी था। आप लोगों की इसमें जो भी राय है कमेंट करके बताएं। जल्द आप लोगों के साथ एक अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।